हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई वालों के लिए अगस्त माह में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी गाइस, तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। इसका लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का, और सीट को भी इनक्रीज कर दिया गया है। तो मैं आप लोग को सारा डिटेल बताऊँगा, इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा गाइज। तो मैं फुल नोटिफिकेशन वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑलरेडी मैं अगस्त माह में बना दिया था वीडियो, इसमें कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिला है मैं भी दिखा दूंगा, और देखिए कितना नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुआ है वो भी बता दूंगा। तो नोटिस डाउनलोड करने के लिए आप लोग, और ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, BRO रिक्रूटमेंट 2022 करके आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ITI सरकारी नौकरी सेक्शन में चले जाइए गाइस। तो चलिए मैं अभी न्यू नोटिस दिखाता हूँ जहाँ पर सीट बढ़ाया गया है और लास्ट डेट भी बढ़ा दिया गया है। पहले मैं वो नोटिस दिखा देता हूं, मैं फुल नोटिफिकेशन वाला भी एक दिखा दूंगा कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिला है गाइस। तो आप लोग फुल नोटिफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने सारा डिटेल बताया हूं, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम सेंटर, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं नीचे में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो BRO की तरफ से रिलीज किया गया है, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज अगेन एडवर्टिजमेंट नंबर 3/2022। ये जो एडवर्टिजमेंट नंबर 3/2022 है, यह अगस्त माह में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया था, 3/19 अगस्त का जो एडिशन था उसमें आया था। तो गाइज देखिए इसका डेट बढ़ा दिया गया है, अब लास्ट डेट इसका है 10/9/2022, यानी कि 10/9/2022 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए वैकेंसी कितना कितना बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे देखिए पहले ड्राफ्टमैन में 14 सीट था, अब 16 कर दिया गया है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में पहले 35 था, अब कर दिया गया है 46। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में 30 था, अब कर दिया गया है 43। मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ में 22 कर दिया गया है 27, और मल्टी स्किल वर्कर में कुक में था 82, और कर दिया गया है कितना 133। बाद बाकी जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो जो एडवर्टिजमेंट में बताया गया था वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बाद बाकी फॉर्म अप्लाई करने का डेट मतलब बढ़ाया गया है, और सीट जो इसमें जो भी मतलब कि पोस्ट का नेम दिया गया है इसका सीट बढ़ाया गया है, सभी का नहीं बढ़ाया गया, कुछ और भी ट्रेड मतलब और भी पोस्ट था उसका नहीं बढ़ाया गया, जो यहाँ पे मेंशन है वो बढ़ाया गया। जैसे कि IT वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन का सीट बढ़ गया है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का बढ़ गया है, ड्राफ्टमैन का बढ़ गया है, और मल्टी स्किल वर्कर का बढ़ गया है। तो देखिए मैं अभी नोटिस दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है मैं वो बता देता हूँ, बाकी अदर डिटेल्स के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या लग रहा है, तो उसके लिए आप लोग मतलब पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, और नोटिस आप लोग और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, चूंकि ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा www.itieducation.com पे, वहाँ पे ITI सरकारी नौकरी का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग खोज लीजिएगा BRO रिक्रूटमेंट 2022, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी नोटिस वाला वो फुल नोटिफिकेशन वाला वो भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था। तो गाइज ये फुल नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी आप लोग डाउनलोड कर किए भी होंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट ये चीज़ रीड भी कर चुके होंगे। मैं फिर से एक बार क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, बाकी और भी जो डिटेल जानने के लिए आप लोग नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, या पुराना वाला जो मेरा वीडियो बना है वो देख लीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या। मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, यानी कि कौन कौन से ITI वाले ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ही लंबा पेज में दिया गया, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए पहला जो है वो ड्राफ्टमैन में है, तो ड्राफ्टमैन में क्या है कि अगर आप लोग के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, डेट मीन्स ITI है ड्राफ्टमैन सिविल में, और आप लोग का 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ड्राफ्टमैन में। या आप लोगों ने 10+2 है साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और 2 साल का आप लोग का सर्टिफिकेट है आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप में, तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ड्राफ्टमैन में, ड्राफ्टमैन ट्रेड में, ड्राफ्टमैन पोस्ट में। दूसरा जो पोस्ट है ITI वालों के लिए वो है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप लोग को मैट्रिकुलेशन पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में, डेट मीन्स आप लोग का वायरलेस ऑपरेटर में या रेडियो मैकेनिक में आप लोग का ITI पास रहना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ऑपरेटर कम्युनिकेशन में। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो होता है वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन में क्या मांगा मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पहले तो मैट्रिकुलेशन मांगा है, और यहाँ पर बोला है कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन में ITI पास रहना चाहिए, और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। देखिए
यहाँ पे लिखा गया है ऑटो इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो देखिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो कोर्स होता है वो आईटीआई में एक साल का होता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन जो कोर्स होता है वो दो साल का होता है। तो यहाँ पे देखिए और करके इक्विवेलेंट लगा दिया गया है। यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ही मांगा गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन वाले बंदे हैं जो इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा, हो सके अगर एक्सेप्ट कर ले तो एडमिट करा जाएगा तो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑटो इलेक्ट्रीशियन में मांगा है, ये बात आप लोग को ध्यान देना है। इन्होंने सर्टिफिकेट जो मांगा है वो मांगा है ऑटो इलेक्ट्रीशियन में, और ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो एक साल का कोर्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो होता है वो दो साल का होता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लगा दिया है तो अप्लाई कर सकते हैं कोई, मेरे अनुसार भर दीजिएगा, भरने में क्या दिक्कत है, यहाँ पे इक्विवेलेंट लगा दिया है तो कहीं एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इन्होंने तो ऑटो इलेक्ट्रीशियन में ही मांगा, ये बात आप ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक साल का आप लोग का एक्सपीरियंस भी लगेगा इलेक्ट्रीशियन में। उसके बाद यहाँ पे वेल्डर का है तो मैट्रिकुलेशन और वेल्डर पास रहना चाहिए, आईटीआई वेल्डर पास रहना चाहिए वेल्डर एंड गैस में। और एक आप लोग का है मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ, तो यहाँ पे भी 10th प्लस आईटीआई रहना चाहिए आप लोग का ब्लैक स्मिथ में या फॉर्ज टेक्नोलॉजी में या सीट मेटल वर्कर में आप लोग का आईटीआई पास रहना चाहिए। बाद बाकी जो अदर जो पोस्ट है वो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पे है। तो बाद बाकी जितने भी अदर डिटेल्स है ये पीडीएफ में मिल जाएगा या पुराना वीडियो मेरा में देख लीजिएगा, मैं बनाया हुआ हूँ सारा चीज़ में, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, यही है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भर करके यहाँ पे बताया गया है, सारा डिटेल बता दिया गया है गाइस, इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिए, यही है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को फिल करके भेजना है। तो फुल नोटिफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिए और ये नोटिफिकेशन मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है, लास्ट डेट बढ़ा दिया गया और सीट को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।